जानिए पौराणिक काल के 24 चर्चित श्राप और उनके पीछे की कहानी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 24 ऐसे ही प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी बताएंगे। 1. युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। 2. ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। 3. मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींक चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। 4. नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 5. कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की दो पत्नियां थी। कद्रु सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजेय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। 6. उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। 7. तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिवपुराण के अनुसार शंखचूर नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी जिसके कारण देवता भी शंखचूर का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूर का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। 8. श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया।
ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को दंज लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। 9. राजा अनरण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुई। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। 10. परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। 11. तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। 12. गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।